और जल्दी तो जल्दी चैनल नू सब्सक्राइब कर लो ताकि तुहानू वधिया तो वधिया अपडेट्स मिल दिया रहन ते बैल आइकन नू प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलियो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो चैनल शान पंजाबी। लो जी, अज असीं गल करन जा रहे एक विवादित मुद्दे दे उत्ते। विवाद कुछ इस तरह है कि श्री बराड़, जो कि पंजाबी इंडस्ट्री दे गायक हन ते उन्हां दी गायकी नू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिन्हां ने पंजाबी जो इस समय पंजाबियों का संघर्ष चल रहा है यानी किसानी धरने चल रहे हैं उसनू लैके भी एक गीत गाया सी, जिसने किन्ने ही लोगों नू अते पंजाबी किसानों नू हौसला दिता अगे वधण दा। ते हुण श्री बराड़ विवादों दे विच घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहला श्री बराड़ का एक गीत आया जिसके कारण उन्हां नू पुलिस दे वल्लों अरैसट कर लिया गया। जी हाँ, जिसनू देखण तो बाद काफ़ी गायकों दे विच गुस्सा भी देखण नू मिलिया, क्योंकि ये जो अरैसट किया गया सी श्री बराड़ नू, इस दे पिछे पुलिस दे वल्लों कारण ये दस्या गया कि श्री बराड़ दा यह गीत लोगों दे विच वायलेंस क्रिएट कर रहा है अते यह गीत हानिकारक है इन्हां समयां नू लैके, क्योंकि इन्हां समयां दे विच किसानी धरने चल रहे हैं अते इहो जे समयां दे विच इहो जे गीत आने वाकई ही इस दे नाल जो लोग हन ओह भड़कणगे। जिस तों बाद पंजाबी गायकां दे विच भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखण नू मिलिया ते आम लोगों दे विच भी गुस्सा सी, क्योंकि लोगों का कहना सी कि इस दे विच कोई इन्नी भी कॉन्ट्रोवर्सी वाली गायकी नहीं सी, इहो जी शब्दावली नहीं वरती गई सी जिसके कारण श्री बराड़ दे उत्ते केस होना पवे या फिर श्री बराड़ नू सीधा ही गिरफ्तार कर लिया जाए। इसनू लैके लोगों के गुस्सा नज़र आ रहा है ते पंजाबी गायक भी हुण लगातार श्री बराड़ नू सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्हां दे विचों ही यानी कुछ गायकों के विचों ही जस बाजवा, जो कि लगातार किसानी धरने के उत्ते नज़र आ रहे हैं, उन्होंने वालों भी श्री बराड़ नू सपोर्ट किया गया है। उन्हां दा कहना है कि असीं सरकार दे नाल हाँ, पर पंजाब सरकार नू चाहिदा है कि इस समय पंजाबी गायकों का साथ दे किसानी संघर्ष के लिए, ना कि पंजाब के गायकों इस समय विवादों के घेरिया जाए। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, तुहाडे नाल एक बहुत जरूरी गल शेयर करनी है। साडा बड़ा प्यारा भरा श्री बराड़, जिहदा तुहानूं पता ही है पिछले दिनां च जिहदे ते परचा होया वायलेंस जां गन कल्चर वाले गीतां दे लई, मैं ये बेनती करना चाहुंदा साडे बड़े सत्कारयोग प्रशासन नूं ते साडी पंजाब सरकार नूं, जे तुसीं कोई भी इदां दा कानून तैयार कर रहे हो भी गन कल्चर के खिलाफ मुहिम कढ़नी है जां जिहड़े वायलेंस वाले गीत ने उन्हां नूं रोकना है, तां असीं उहदी बहुत शलाघा करदे हां ते असीं बिल्कुल थोड़ा साथ देण नूं तैयार हैं। पर नाल मैं इह गल कहणी चाहुंदा भी इदां कल्ले बंदे नूं टारगेट करना, उह भी इन्हां दिनां च जदों पंजाब च किसानी संघर्ष पूरे जोरां ते चलदा होवे ते हर एक वर्ग बहुत जुड़िया होवे, सारिआं वल्लों ही समर्थन दिता जा रहा किसानी संघर्ष में, तां जदों इन्हां दिनां दरम्यान श्री नूं चक्किया गया ये गल कह के भी वायलेंस गीत गा रहा, तां थोड़ा जिहा सानूं लग्गा भी शायद ये जिवें इत्थे कोई दो राय नहीं हैगी कि पंजाब सरकार ने साडा संघर्ष पहलां बहुत साथ दिता है, निरंतर दे रही है, कोई भी नहीं चाहुंदा भी ये जिहड़े काले कानून ने ये लागू होण, चाहे सरकार ने चाहे आम लोग ने चाहे प्रशासन है, सारे असी कितें ना कितें सीधे तौर पर जां सीधे तौर पर खेती नाल जुड़े हुए हैं, पर एक वर्ग नूं टारगेट करना जां एक आर्टिस्ट नूं टारगेट करना कितें ना कितें मैनूं लगता भी थोड़ा जिहा सही नहीं हैगा। जे कुछ इदां दा रूल बनाउणा है तां उहदे लई इंडस्ट्री बिल्कुल तैयार है, गलबात दे राहीं आपां गल कर सकदे हां, क्योंकि जिहड़ा वायलेंस है जां गन फिर उस हिसाब नाल तां पंजाब च यूट्यूब जिहदे ते बहुत कुछ पिया है, नैटफ्लिक्स वगैरह जिहदे ते गन कल्चर तों भी इत्थे मैं जिक्र नहीं कर सकदा, गन कल्चर तों भी उत्तों दा बहुत कुछ पिया जिहड़ा आपां नहीं पत्तीजनक चीज़ां ने जिहदे नूं नहीं देख सकते नहीं सुन सकते, फिर तां उहनां सारीआं चीज़ां नूं भी बैन करना चाहीदा। पर इदां किसे नूं परसनली एक बंदे नूं चक्कणा उह भी इहनां दिनां दरम्यान क्योंकि वह सानू लगता भी किसान एंथम लिखिया श्री ने तो गाया वो उन्हूं बहुत असी नहीं कहते उत्थे बैठे जिहड़े भरा ने किसान कहिंदे ने भी उस गीत नाल सानू बहुत पंप अप मिलिया, बहुत असी मोटीवेट होए उस गीत नाल, असी अगला गीत भी बिल्कुल किसान एंथम की तरह रेडी किया होया सी जिहड़ा आने वाले दिनों करना सी, बट उहदे पहलां पहलां ही आ श्री वाला चक्कर पै गया। सो मैं बेनती करदा हां प्रशासन नूं कि तुसीं इस गल ते गौर करो जी, प्लीज़ श्री बराड़ नूं जमानत दे दित्ती जावे, जे गन कल्चर नूं खत्म करना तो उहदे लई। सो मैं बेनती करदा सरकार नूं कि ते
प्रशासन सत्कारयोग ने कि श्री नाल न्याय होना चाहिए बिल्कुल। जे गन कल्चर खत्म करना है ज वायलेंस गायकी खत्म करना तो असं बिल्कुल थोड़े नाल हैं, असी सहयोग करांगे, चंगे नागरिक की तरह अपना फर्ज अदा करांगे। पर एक प्रोसैस होना चाहिए, पंजाब चो बड़ा कुछ यूट्यूब से ज चीज़ा फिल्म बॉलीवुड दियाँ सारा कुछ ही बैन जड़ ही पट देनी चाहिए है। इंडस्ट्री में भी बेनती करता है कि श्री का साथ दो सारे भरा, क्योंकि ये अपना परिवार है, तो प्रशासन भी साडा सरकार भी साड़ी है, पंजाब एक गुलदस्ता है, इतने सारे रंग ने रल मिल के गल के जरिए ही गल का हल कर लेना चाहिए। बहुत मेहरबानी जी। हाँ, यह है जस बाजवा की वीडियो जिस जस बाजवा लगातार यही कह रहे हैं पंजाब सरकार नू कि इस समय जान बुझ के कुछ गायकों नू टारगेट किया जा रहा है। इस तो बाद हुण आपां वधदे हां रणजीत बावा दे वल। रणजीत बावा दे वल्लों भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली वर्डिंग बोली गई है। तो रणजीत बावे का कहना है कि जेकर वाकई ही इन्हां जिवें श्री बराड़ा यहोजे गायकों के वलों अगर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, यानी यहोजी गायकी गाई जा रही है जो भड़काऊ है, तो होर जो श्री बराड़ तो भी ज़्यादा भैड़ी गायकी कह सकते हैं कि ज़्यादा खड़के दड़के वाली गायकी गाते हैं, उन्होंने अरैसट क्यों नहीं किया जा रहा? श्री बराड़ ही क्यों, उस तो इलावा भी किन्ने ही जो गायक हैं हथियार वाली गायकी गाते हैं, उन्होंने अरैसट क्यों नहीं किया जा रहा? सत श्री अकाल सारों, मैं पोस्ट पानी से श्री बराड़ बारे। पहली गल तो यह जिहड़े सिंगर ने गुरवीर दियां फोटोआं में वेखा सारे पाइया दिल जे वाह, ना कुछ लिखिया की आ की नहीं। पहला तो मैं ऐ लगे भी शायद वह हैप्पी बर्थडे है, पर बाद खबर पढ़ी पर जी यार तुसी बोलना तो खुल के बोलो। जिहड़े उहदे गाने लैंदे आ, जिहड़े उहदे नाल रोज़ पोस्टां पाउंदे आ, जद बाई बाई करदे हो हुण खुल के बोलो, पूरी सपोर्ट चाहो। मैं बेनती करदा भी सरकार नूं भी, इस तों पहलां भी बहुत सिंगर हथियार वाले गीत गाए, जां तां सारे चुको, जिन्ना भी गंद मंद जां माहौल खराब कीता सारे चुको, तो जां फिर मिलदा भी कि ज़्यादा धक्का आ। प्लीज़ इस चीज़ पर गौर करे सरकार। वार्निंग एक जरूरी आ, बंदे नूं वार्न करना जरूरी आ, उस तों बाद शायद इहोजा कदम चुक्या जा सकदा। सो प्लीज़ पहलां दा सिंगर इतने कमेंट्स की गल करिए तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स सिद्धू मूसेवाला के लिए भी हैं। लोगों का कहना है कि फिर सिद्धू मूसेवाला की गायकी श्री बराड़ के नालों ज़्यादा खड़के दड़के वाली होंगी है, तो सिद्धू मूसेवाला अरैसट क्यों नहीं किया जा रहा? इसनों लैके हूँ काफ़ी ज़्यादा विवाद भखता हुआ नज़र आ रहा पंजाबी इंडस्ट्री के, जिसनों देखते हुए कि ना कि वाकई ही लगता है कि यह समा जो है इस समय के जो किसानी धरने हैं, किसानी धरने लग रहे हैं, जिन्हें भी पंजाबी गायक हैं भावें अपनी पोस्टा के राही, भावें वह अपनी गायकी के राही, तो भावें किसानों के कोल दिल्ली पहुँच के उन्होंने समर्थन देने दे राही हर पासों किसानों सपोर्ट कर रहे हैं। इन समय के पंजाब सरकार को किसी गायक के उत्ते इस तरह का एक्शन लेना शायद बिल्कुल ही गलत होगा, जिसनों लैके कैप्टन साहब का कहना है कि यह बिल्कुल सही होया है, जो श्री बराड़ नूं अरैसट किया गया है यह बिल्कुल सही है। श्री बराड़ की गायकी वाकई ही बहुत ज़्यादा विवाद फैला रही थी, हुण इस दे पिछे कारण की है कि पंजाबी गायकों का ध्यान जो है वटाण की कोशिश की जा रही है किसानी धरनों लैके, या फिर वाकई ही जो श्री बराड़ है उसकी गायकी यहोजी है जो वाकई ही बहुत ज़्यादा विवाद खड़े कर रही है? इस पूरी वीडियो में देखने तो बाद तो की लगता है, जेकर तो दिमाग के कुछ सवाल हैं तो अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो जेकर थोड़ा ये लगता है कि श्री बराड़ के नाल इन्ना समय के धोखा होया, यानी जेकर थोड़ा ये लगता है कि श्री बराड़ के नाल यहोजा नहीं होना चाहिए सी, जिस तरह की उन्होंने गायकी गाई है उन्होंने हिसाब के नाल उन्हों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए सी, तो भी अपने कमेंट्स तुम जरूर देना श्री बराड़ के लिए। तो किसानी धरने के लिए अपने सुझाव दे सकते हो, तो बॉलीवुड और बॉलीवुड के डेली के अपडेट्स लिए चैनल में सबसक्राइब कर लेना, बैल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि सू डेली अपडेट्स देते रहिए। जल्दी तो जल्दी चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलती रहन, बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुल्यो।